पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी की हड़ताल आज सातवें दिन भी जारी है। हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मधु विहार इलाके स्थित कायम कार्यालय पर पहुंचे और ऑफिस के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सफाई कर्मचारी ने मनीष सिसोदिया का पुतला भी जलाया। इस मौके पर सफाई कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की एरियर और दूसरी सुविधा को लेकर उनका हड़ताल आज सातवें दिन भी जारी है। इसके बावजूद निगम उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। कई बार आश्वासन के बाद उन्होंने हड़ताल वापस ले लिया, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। इस बार वो लोग आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, उनका हड़ताल जारी रहेगा। हड़ताल से इतना फर्क पड़ रहा है कि आज मेरे घर में मात्र 20 रुपए रखे हुए हैं, जिनसे मैं शाम को घर का खाना भी चूल्हा भी नहीं जलेगा मेरा। इस सरकार ने, निगम ने ना तो हमें अभी तक सैलरी दी है, ना बोनस दिया है। झूठे वादे कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। इसके विरोध में आज तो हमने मनीष सिसोदिया जी का पुतला फूंका। कल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मनोज तिवारी दोनों का पुतला दहन होगा और कड़वी रोटी खाई जाएगी। हमें तो यहाँ तक की परचून की दुकान वाले ने भी राशन देने से मना कर दिया है। घर में चूल्हा कैसे चलेगा, मात्र 125 रुपए पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है घर में। सुबह हम लोग किराए भी मांग मांग के लेके आ रहे हैं पड़ोसियों से। बड़े दुख का विषय है कि ना तो दिल्ली सरकार, ना केंद्र सरकार, ना ही कोई सुनने को राजी है। यहाँ तक कि एलजी तक को हमने गुहार लगाई है, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं। जो हमारी तनख्वाह है, ये हमें तनख्वाह तो मिल रही है, दो दो महीने की अभी पेंडिंग पड़ी है तनख्वाह। तो हम तो ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमें तनख्वाह से अलग जो हमारी बची हुई जो पहले तनख्वाह जो हमारी पेंडिंग में चल रही है, जैसे हमारा डीए, हमारा एरियल, हमारे बच्चों की ट्यूशन फीस, और साथ में सबसे ज़्यादा जरूरी जो हमारा है मेडिकल कैशलेस कार्ड, उसकी वजह से वो कम से कम 10 साल हो गए हमें उसकी डिमांड को उठाते हुए। कम से कम उसकी वजह से जो हमारे कर्मचारी है इलाज के भाव में जो मर रहे हैं, कम से कम उनका इलाज हो जब हो पाएगा समय पर। आज मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर शायद मेडिकल कैशलेस कार्ड होता तो मैं अपनी बच्ची का इलाज करवा पाता, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं जिससे कि मैं इलाज करवा सकूँ। इसीलिए ये लड़ाई इसीलिए लड़ी जा रही है, कम से कम मेडिकल कैशलेस कार्ड जरूरी बनना चाहिए। कम से कम कर्मचारियों का जो इलाज है वो समय पर हो सके, नहीं तो उसके बाद है क्या, कुछ भी नहीं। कर्मचारी तो ऐसे मरता रहेगा, ये अपनी राजनीति नोटिस देखते रहेंगे। सफाई कर्मचारी के नेता विजय गहलोत का कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कमिश्नर के ऑफिस में भी कूड़ा डाला जाएगा। आज हमारी हड़ताल का सातवां दिन है, ना दिल्ली नगर निगम की ओर से, ना ही सरकार की ओर से कोई आश्वासन हमें दिया गया है। और देखिए, सबसे बड़े दुख की बात है, माननीय हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था पहले भी परसों कि 3 दिन के अंदर पैसा दे जाए। कल भी दिल्ली सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, आज फिर सुनवाई हो रही है, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जब तक समय पर वेतन, हमारा बकाया एरिया, जो रुकी तनख्वाहें हमारी है, जो हमारा डीए है, हमारा बोनस है, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने वाली बात है, मेडिकल कैशलेस कार्ड है, और जो रिटायरमेंट कर्मचारी उनकी पेंशन नहीं मिल पाई है, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, हड़ताल हमारी यथावत ऐसे ही जारी रहने वाली है। हम हर बार सफाई मजदूर काली दिवाली मनाने मजबूर होते हैं, लेकिन इस बार सारे अधिकारियों की कूड़े का ढेर पर दिवाली मनवा के दिखाएंगे हम लोग। बड़े दुख की बात है, आज हमारी हड़ताल का सातवां दिन है, ना दिल्ली नगर निगम की ओर से, ना ही सरकार की ओर से कोई आश्वासन हमें दिया गया है। और देखिए, सबसे बड़े दुख की बात है, माननीय हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था पहले भी परसों कि 3 दिन के अंदर पैसा दे जाए। कल भी दिल्ली सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, आज फिर सुनवाई हो रही है, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जब तक समय पर वेतन, हमारा बकाया एरिया, जो रुकी हुई तनख्वाहें हमारी है, जो हमारा डीए है, हमारा बोनस है, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने वाली बात है, मेडिकल कैशलेस कार्ड है, और जो रिटायरमेंट कर्मचारी उनकी पेंशन नहीं मिल पाई है, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, हड़ताल हमारी यथावत ऐसे ही जारी रहने वाली है। हम हर बार सफाई मजदूर काली दिवाली मनाने मजबूर होते हैं, लेकिन इस बार सारे अधिकारियों की कूड़े का ढेर पर दिवाली मनवा के दिखाएंगे हम। ये उनकी गलत सोच है, सबसे बड़ा संगठन हमारा है, हजारों मजदूर हमारे साथ में। कमिश्नर साहब को चेतावनी देते हैं, इस तरह की बचकानी बात ना करें। उन्होंने पहले बोनस देने की बात नहीं कही थी। हम कमिश्नर साहब को बताना चाहते हैं, बोनस
एज वेल एज ग्रेच्युटी और जीपीएफ इज एन एसेंशियल अमाउंट विच इज टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इन एनी सर्कमस्टांसेस। अगर हमारा कर्मचारी जो बोनस और जीपीएफ लेने के लिए अधिकृत है, अगर वो जेल में भी है, तो हमारे कमिश्नर को वहां लगा देना पड़ेगा, ये नहीं भूलना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ा संगठन है, इस संगठन में जो लोग शामिल होते हैं हड़ताल में, उनके एब्सेंट भी नहीं कर सकते। अगर कमिश्नर साहब ने अपने हठधर्मी नहीं छोड़ी, कल उनका मुंह काला करेंगे और पूरा ईडीएमसी का तालाबंदी करके घेराव करेंगे हम सब लोग। फिलहाल इस हड़ताल का असर पड़ता नहीं दिख रहा, लेकिन अगर कुछ दिन और इसी तरह हड़ताल जारी रही तो दिल्ली वालों की दीपावली कूड़े के ढेर पर मनेगी। दिल्ली से न्यूज सेवा की रिपोर्ट।